हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हिप टू शोल्डर सेपरेशन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट बॉलिंग एक रोटेशनल एक्टिविटी है और ये रोटेशनल एनर्जी बॉलर्स के हिप्स के अराउंड स्टोर रहती है। इस एनर्जी को काम में लाने के लिए फास्ट बॉलर्स को अपने हिप्स को शोल्डर से सेपरेट करना होता है, यानी जब बॉलर के आगे वाला पांव क्रीज में लैंड हो जाए तब दोनों हिप्स की डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ हो और शोल्डर्स क्लोज पोजीशन में हो। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस टाइम पर बॉलर के शोल्डर पीछे होंगे उसके हिप्स से। जितना डिस्टेंस बॉलिंग आर्म ज़्यादा कवर करेगी उतनी ही बॉल तेज जाएगी। वर्ल्ड के काफ़ी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग आर्म फ्रंट फुट पर ज़्यादा डिलेड रहती है कंपेयर टू मीडियम फास्ट बॉलर्स, जिससे वो हाई स्पीड्स पर कंसिस्टेंटली बॉल कर पाते हैं। साइड ऑन बॉलर्स को हिप टू शोल्डर सेपरेशन के लिए आगे वाला पाँव पड़ने से पहले प्रीटर्न करना होगा, बिना प्रीटर्न के उनका सेपरेशन नहीं हो पाएगा। साइड ऑन बॉलर्स अगर पीटन के बिना बॉल डाल रहे हैं इससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे उनका बॉलिंग अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है। एक अच्छी टेक्निक वाले बॉलर को इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हिप टू शोल्डर सेपरेशन का कंसेप्ट हर रोटेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज़ होता है, जैसे कि क्रिकेट में बैट्समैन भी इसका यूज़ करते हैं, गोल्फ में बॉल हिट करने के दौरान, बेसबॉल थ्रो में, बेसबॉल हिटिंग में और जेवलिन थ्रो में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब अगर ये इतना फ़ायदेमंद है तो सब बॉलर्स इसे क्यों नहीं कर पाते? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला है हिप मोबिलिटी। पुअर हिप इंटरनल रोटेशन इसका एक कारण हो सकता है। सेपरेशन के दौरान बॉलर का बॉलिंग साइड हिपनली यानी अंदर की तरफ रोटेट होता है, और अगर बॉलर हिप मोबिलिटी कम हो तो हिप्स सेपरेट नहीं होंगे। दूसरा है अपर बैक मोबिलिटी। अगर बॉलर की थायरॉइड आसान भाषा में अपर बैक मोबिलिटी कम हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बिना थायरॉइड मोबिलिटी के शोल्डर सेपरेट नहीं होंगे। तीसरा है स्ट्रेंथ। हिप टू शोल्डर सेपरेशन में स्ट्रेंथ का काफ़ी रोल होता है। बॉलर की अपर बॉडी और हिप्स एक साथ रोटेट ना हो, इसके लिए नॉन बॉलर साइड के ऑब्लिक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन होता है रोटेशन को रोकना, जिससे सेपरेशन हो सके। अगर रोटेटरी स्ट्रेंथ कम हो तो साइड प्लैंक्स और पैलॉप प्रेसेस जैसी एक्सरसाइज का सुझाव दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखें।